बांग्लादेश में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच शेख हसीना भारत पहुंची। उनके ब्रिटेन में शरण लेने की बात भी हो रही है। ऐसे में शरण मिलने तक भारत में अस्थायी रूप से भारत में रुकने की व्यवस्था की गई है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सोमवार शाम को उनका हेलीकॉप्टर भारत के हिडन एयरबेस पर उतरा। यहाँ उनसे भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी मुलाकात की और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहीं कड़ी सुरक्षा दी जा रही है, उनके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच खबर थी कि उनके फ्लाइट की लगातार ट्रैकिंग की जा रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि फ्लाइट की ट्रैकिंग कैसे की जाती है। यूँ तो इसके कई सारे तरीके हैं जो बहुत जटिल हैं, लेकिन आप विमान कंपनियों की वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडलर्स और फ्लाइट अवेवर की साइट के जरिए पता कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फ्लाइट ट्रैकिंग के लिए विमान में ADS-B ट्रांसपोंडर होते हैं। ये वो तकनीक है जिसके इस्तेमाल से लाइव अपडेट ले सकते हैं, जो विमान की ID, GPS सहित और ऊंचाई जैसी जानकारी को रेडियो सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ये रेडियो ट्रांसमिशन विमान के आसपास स्थित नागरिक ADS-B रिसीवर द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये जो डेटा इकट्ठा करते हैं उसे फिर सर्वर के पास भेजा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो फ्लाइट ट्रैकिंग में इस्तेमाल होने वाली रडार टेक्नोलॉजी का इसमें सबसे अहम रोल होता है। फ्लाइट को ट्रैक करने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। ऐसे में आम लोगों के लिए इसके बारे में पता कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अमेरिकी कंपनी फ्लाइट अवेयर भी फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस देती है। इससे रियल टाइम में फ्लाइट को ट्रैक किया जा सकता है। 2019 में यह 200 देशों में 32,000 से अधिक ADS-B ग्राउंड स्टेशनों के नेटवर्क के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म था। एक वेबसाइट के रियल टाइम में फ्लाइट को ट्रैक करने की सुविधा देती है। यहाँ दुनिया भर की विमानों को सिर्फ नाम से ही ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट रूट और फ्लाइट नंबर से भी इसके बारे में पता किया जा सकता है। आईप्लेन फाइंडर की शुरुआत साल 2009 में हुई थी। इस वेबसाइट के जरिए फ्लाइट ट्रैक की जा सकती है। दुनिया भर की फ्लाइट को इस वेबसाइट पर ट्रैक किया जा सकता है। कंपनियों के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए फ्लाइट ट्रैक की जा सकती है। कुछ एयरपोर्ट की वेबसाइट्स पर भी ये सुविधा मुहैया कराई जाती है। बता दें कि शेख हसीना सरकार ने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए कई सिविल सर्विसेज में आरक्षण का ऐलान किया था। इसका विरोध करते हुए भारी तादाद में छात्र सड़कों पर उतर आए। भारी विरोध झेलने के बाद सरकार ने कोटा कुछ हद तक वापस ले लिया था। बावजूद इसके छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा, क्योंकि शेख हसीना ने विरोध प्रदर्शन के बाद व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना को बुलाया था। इस दौरान हुई हिंसा में सैकड़ों छात्र की जान चली गई, जिसके बाद मामला और उग्र हो गया। आपको बता दें कि भारत में रुकने के बाद हसीना के लंदन जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना राजनीति में वापस नहीं करेंगी। वहीं एक रिपोर्ट तो ये भी कहता है कि उन्होंने ब्रिटेन की सरकार से शरण मांगी है। हालांकि अभी तक ब्रिटेन सरकार ने शेख हसीना को शरण देने के संबंध में कोई पुष्टि नहीं की है। उनकी छोटी बहन रेहाना ब्रिटेन की ही नागरिक हैं। रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीकी लेबर पार्टी से ब्रिटिश संसद की सदस्य भी हैं। वहीं भारत सरकार ढाका में हो रहे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है। भारत सरकार ने शेख हसीना को ब्रिटेन में शरण मिलने तक अस्थायी प्रवास को भी मंजूरी दी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।